नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शतक जड़कर रचा इतिहास। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को दिया 200 से ज्यादा का लक्ष्य। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 223 रन बनाए और साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 210 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 13 रनों की बढ़त बनाई और वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय टीम ने भी अपनी दूसरी पारी में 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए और भारत के पास दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 70 रनों की बढ़त थी। लेकिन आज आते ही भारतीय टीम को शुरू के 2 ओवर में 2 बड़े झटके लगे और भारतीय टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई। लेकिन उसके बाद क्रीज पर ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच लंच तक शानदार साझेदारी हुई। ऋषभ पंत ने लंच से पहले 60 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। लंच के बाद विराट कोहली आते ही 29 रन के स्कोर पर आउट हो गए। फिर उसके बाद ऋषभ पंत शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। ऋषभ पंत ने 66वें ओवर में शतक जड़कर इतिहास रचा। ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बन चुके हैं। अब भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 212 रनों का लक्ष्य रखा है। ऋषभ पंत शतक बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। तो दोस्तों, क्या आपके हिसाब से भारतीय टीम यह मुकाबले जीतेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही क्रिकेट की दमदार लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।